जय जिनेन्द्र। आज हमारे बीच में विश्वविख्यात मकतंबर की चिकित्सक डॉक्टर अर्चना जी नागपुर विराजमान हैं। भारत और विश्व के प्रत्येक कोने कोने में जिन्होंने जैन धर्म की महिमा बताई, मकतंबर की प्रभावना की, हजारों लोगों को मकतंबर के माध्यम से उनके असाध्य रोग, पारिवारिक शांति, व्यापार में वृद्धि, संतान प्राप्ति, ऐसी अनेक जो समस्याएं होती हैं हमारे पारिवारिक जीवन में, उसके प्रभाव से इन्होंने उनको उपाय बताए और वो समस्याएं शांत हो गईं। महानुभाव आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित मकतंबर महाकाव्य की जो विशेषता आज डॉक्टर अर्चना जी ने की है, वास्तव में वो साधुवाद की पात्र हैं, आज हमारे बीच में विराजमान हैं। डॉक्टर साहब, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कौन थे? आचार्य मानतुंग स्वामी पहले तो वो एक श्वेतांबर ब्राह्मण साधक थे, फिर उन्होंने श्वेतांबरी दीक्षा धारण की, लेकिन उन्हें क्या होता है कि एक असाध्य रोग हो जाता है, तो वो असाध्य रोगों का निवारण उन्हें कहीं नहीं मिलता और वो एक दिगंबर मुनि रहते हैं, पेड़ के नीचे बैठे उनके पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो उनका जो असाध्य रोग रहता उसका निवारण दिगंबर मुनि करते हैं, तो वो बहुत उनसे वो प्रभावित होते हैं और दिगंबर धर्म धारण कर लेते हैं और उन्हीं से वो मुनि दीक्षा भी धारण कर लेते हैं। पहले तो वो ब्राह्मण थे, फिर श्वेतांबर बने और फिर उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की। तो क्या मकतंबर महाकाव्य श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में मानते हैं? हाँ, दोनों परंपराओं में मानते हैं। हम भी इतने प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमने श्वेतांबर और दिगंबर को एक मंच पे ला दिया हमारे प्रोग्राम में, देश विदेश में। अभी हमने अमेरिका में 2 महीने प्रोग्राम दिया, तो वहाँ दिगंबर श्वेतांबर कोई भेद नहीं, सब एक मंच पे, दोनों हमारे शिविर को अटेंड करते थे। ये मकतंबर की महिमा है कि आज दिगंबर श्वेतांबर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक साथ एक मंच पे मकतंबर की महिमा गा रहे हैं। आपने मकतंबर महाकाव्य कब से पढ़ना प्रारंभ किया? मैं बहुत ही छोटी थी एक्चुअली। मेरी मम्मी जो है वो जैन धर्म का बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज है, चारों अनुयोगों की ज्ञाता भी है, और मेरे बाबूजी 30 साल पहले से मकतंबर पढ़ते आए हैं। मैंने तो आज PhD किया, 45 नंबर श्लोक, उद्भुत भीषण जलोधर भार भुगना शोचाम दशा मुपगता शुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवंती मकर धर तुल्य रूपा। मैंने आज इस श्लोक पे PhD किया, लेकिन मेरे बाबूजी को 30 साल पहले जब थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो डायबिटिक पेशेंट होने से उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करा लो वरना आप बचेंगे नहीं, आपको बायपास करानी होगी। तो हमारे बाबूजी ने कहा, उनके उद्गार सुनिए आप क्या थे, उन्होंने कहा क्या ये बायपास मेरी एक श्वास बढ़ा सकता और घटा सकता, मैं जितनी आयु लेके यहाँ आया हूँ वो तो मुझे मिलनी है, मैं मकतंबर पढ़ूंगा। उन्हें इतना अटूट श्रद्धान था और उन्होंने 3 बार मकतंबर पढ़ना शुरू किया, सुबह दोपहर शाम, और 45 नंबर श्लोक 30 साल पहले से 9-9 बार पढ़ते थे। हमारी रिसर्च आज की है, मंजू जी अभी बता रहे हैं, हम अभी बता रहे हैं, लेकिन हमारे बाबूजी 30 साल पहले से मकतंबर पढ़ते थे, उन्हें अगाढ़ श्रद्धान था, और अंतिम समय जब उन्होंने देह विसर्जन किया तो समाधि मरण पूर्वक सब चीज़ों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र की सामायिक करते करते उन्होंने देह विसर्जन किया। उनके श्रद्धान ने ही आज हमें देश विदेश तक पहुँचाया मकतंबर की महिमा बताने। तो मकतंबर में ऐसा क्या चमत्कार है? आपने कभी कोई देवी जी को देखा या कोई ऐसे मंत्रों को देखा? हमारी बचपन से हमारी मम्मी ने 41 नंबर पे बहुत काम किया है, रक्तिक्षणम शमदको किल कंठ नीलम। हमारे घर मंदिर के पास होने से कई चीज़ें इस टाइप की होती थी, कभी सर्प आना, कभी घुंघरू की आवाज़, कभी तो ये होता था कि दूध की गिलास हमारी भरी रखी है, मम्मी ने ढक के देखे दूध गायब, ऐसी कई चीज़ें होती थी। वो सारी चीज़ें मम्मी ने हमारी 41 नंबर से ठीक की, और तो और आसपास कोई नई बहुएं आई है तो उन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, उन्हें लगता था कभी कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मार रहा है, कोई बड़ा सा सर्प घर में आ रहा है, तो सारी चीज़ें मम्मी हमारी 41 नंबर से ठीक करती थी, तो हमें बहुत उस पर श्रद्धान हुआ। और एक बार बहुत अच्छी घटना आपको बताती हूँ कि हमारे अंकल थे तो उन्हें कजिन, तो उन्हें क्या हुआ, कोई देव आ गए अंदर, विंटर देव। अब वो देव सब लोग झाड़ा फूकी इसको बुला रहे, उसको बुला रहे, वो देव जा नहीं रहे।
वो काफ़ी समय तक वही रहे, यूँ 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 बहुत देर तक उनके आंग में आ गए। तो अब वो कहते हैं एक घंटा डेढ़ घंटा सब लोग ने पूरी कोशिश करे लेकिन वो जा नहीं रहे। तो उन्होंने उद्गार थे कि यहाँ आपके यहाँ एक शशि प्रभा जैन है जिनका भक्तांबल शुद्ध है, उन्हें बुलताइए, जब वो आएंगे मुझे उनसे भक्तांबल सुनना है, जब मैं जाऊँगा मैं भक्तांबल सुनने यहाँ आया। तो मम्मी को जब हमारे डिलीवरी हुई थी एक डेढ़ महीना हुआ था, तो सासू जी उनकी मना कर रही थी, यानी हमारी दादी, कि अभी तुम बाहर कैसे जाओगी, अभी जितना बच्चा सवा महीने का है छोटा है ऐसे नहीं जा सकते, आपको हवा लग जाएगी तबीयत खराब हो जाएगी। उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर मम्मी को लगा अरे मुझे जब देव लोग बुला रहे हैं तो मैं नहीं रुकूंगी। उनने सासू जी से जिद की अपने हमारी दादी से और चले गए। जब वो गई उन्होंने भक्तांबल एक बार पढ़ा वो नहीं गए, दोबारा पढ़ा नहीं गए। मम्मी ने तीन बार भक्तांबल पढ़ा जब वो उनके अंदर जो विंतर देव प्रवेश थे वो चले गए। उन्होंने कहा कि मम्मी का भक्तांबल शुद्ध है, यानी कोई देव लोग से आके मम्मी को इतना बोल के चला गया। तो ये सारी घटनाएं हमें प्रभावित कर रही थी ये सारी चीज़ों के लिए, और मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं भी इस प्रकार की प्रभावना करूं। डॉक्टर साहब भक्तांबल पढ़ने की विधि क्या होनी चाहिए? कुछ व्यक्ति बोलते हैं अन्य संप्रदायों में रात को नहीं पढ़ना चाहिए, दिन को ही पढ़ना चाहिए, इसकी विधि क्या है? देखिए भक्तांबल स्तुति है, भक्तांबल स्तोत्र तो है लेकिन आदि भगवान की स्तुति है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है रात में और हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे, इसलिए अभी पंचम काल की व्यवस्था ऐसी हो गई है तो हमें थोड़ा सा तो नरम बनना ही पड़ेगा। नहीं से तो अच्छा है कि रात में भी पढ़ ले, जिसे दिन में टाइम नहीं मिल रहा वो रात में भी पढ़ सकता है। सिर्फ थोड़ा सामायिक का काल छोड़ दो, सुबह 11:30 से 12 के समय नहीं पढ़ना, शाम को 5:30 से 6:30, बाकी आप भक्तांबल रात में भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना है कि शुद्ध पढ़िए। महानुभाव जय जैनेन्द्र, अभी हम जुड़े थे डॉक्टर अर्चना जी से जो नागपुर में निवास करती हैं और भक्तांबल की असीम महिमा को बताती हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भक्तांबल की विधि क्या होती है, भक्तांबल को किस टाइम पढ़ना चाहिए, किस श्लोक से क्या होता है, 45वां नंबर काव्य पढ़ने से क्या होता है, ये सभी प्रकार की विधियां हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।